अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चले गए। इनसे मिलिए, ये है माननीय विधायक महोदय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन। वैसे तो बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, लेकिन महोदय ने अपने बयान से बेमौसम बरसात कर कीचड़ कीचड़ कर दिया है। उनके बयान से शर्म से दुमका की बेटी अंकिता की आत्मा भी रो पड़ी होगी। विधायक महोदय से सवाल पूछा गया कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो गया, आप कहां थे? इसके बाद विधायक जी ने जो कहा उसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। एकदम शांत है, जैसे चल रहा था, बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन फिर है सब चीज। सर, उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ, गए थे एक्चुअली। हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरग्राउंड गारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चले गए। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। सुना आपने, महोदय अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली गए थे। वाह विधायक जी वाह। जरा इस बयान को देने से पहले अपनी संवेदनाओं को टटोल लेते, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, ये बयान आपने इसलिए दिया कि अंकिता किसी दूसरे घर की बेटी थी? आपको इतना भी तरस नहीं आया कि एक बेटी जिसे पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया और वो 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रही और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई? जब 15 दिन बाद पीड़िता के परिवार से मिलने गए और मुंह खोला तो अपनी ही भद पिटवा ली। आखिर विधायक महोदय करे भी तो करें क्या, सरकार बचाने में जो लगे थे। दरअसल बसंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया, वो दुमका में पेट्रोल से जलाकर मार दी गई नाबालिग के परिवार से मिलने गए थे। विधायक के अंडरगारमेंट्स वाले बयान ने अब दूर पकड़ लिया है। बीजेपी ने बसंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का आमजनों के प्रति संवेदना एकदम खत्म हो गया है। बता दें कि बसंत सोरेन दुमका से JM के विधायक हैं। हाल ही में 2 बेटियों की हत्या के बाद बतौर जनप्रतिनिधि वे विपक्ष के निशाने पर हैं। दुमका से मृत्युंजय कुमार पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।